that's just my point of view. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या स्मार्टफोन से लाइट पेंटिंग कर सकते हैं। तो जो लाइट पेंटिंग है वो बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जब भी आप अपने कैमरे का या मोबाइल का शटर बटन क्लिक करते हैं तो शटर जो थोड़ी देर के लिए ओपन होता है, जितना आप टाइम सेट करते हैं, उसके सामने से अगर कैमरे के सामने से अगर कोई भी लाइट गुजरती है या लाइट सोर्स का कुछ भी हलचल होता है तो एक ट्रेल के फॉर्म में आपको दिखता है, तो जिसे आप लाइट पेंटिंग कहते हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक इन्फो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ लाइट पेंटिंग करने के लिए मोबाइल से आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जो पहली चीज़ है वो है, आपको चाहिए एक ट्राईपॉड। ट्राईपॉड इसलिए चाहिए क्योंकि आप अब अगर अपने हाथ से क्लिक करेंगे, हाथ में होल्ड करके कैमरे को, मोबाइल फ़ोन को क्लिक करेंगे फोटोज, तो इससे क्या होगा, आपकी जो फोटोज़ हैं वो ब्लर आएगी। होता क्या है इसमें, मतलब लाइट पेंटिंग में जो एक्सपोजर होता है वो सेकेंड्स में मेजर होता है, तो इसलिए हाथ से पकड़ के फ़ोटो क्लिक करना तो नामुमकिन है। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा ये ट्राईपॉड, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो सेकेंड चीज़ आपको चाहिए वो है एक लाइट सोर्स। तो आप कुछ भी टॉर्च या कुछ भी लाइट बल्ब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लाइट पेंटिंग बनाने के लिए। जो मैं यूज़ करूँगा वो मोबाइल का फ्लैश यूज़ करूँगा और मोबाइल की स्क्रीन पे लाइट लगा के यूज़ करूँगा या कोई वॉलपेपर लगा के उसे यूज़ करूँगा। अब जो थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो आपको चाहिए एक डार्क लोकेशन जहाँ पे आप जाके शूट कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं बाहर और मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा कुछ लाइट पेंटिंग्स। तो जब तक हम रास्ते में हैं मैं आपके साथ कुछ सेटिंग्स शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको ISO है वो ऑटो से हटा के आपको 100 तक रखना है, जितना कम हो सके उतना रखना है ताकि आपकी फ़ोटोज़ पे ग्रीन या नॉइस इफेक्ट ना करें। और जो वाइट बैलेंस है वो आप 3500K या 2300K तक रखें, जितना मतलब ब्लू टोन आपकी फ़ोटो पे मिले तो उतना ज़्यादा नाइट फ़ोटो अच्छी लगती है। फिर जो शटर है वो आपको जितना मतलब 10-30 के बीच में रखना है। यहाँ पे मेरे पास 4 का भी ऑप्शन अवेलेबल है तो आप देख के रख सकते हैं। शटर का क्या रोल है, अगर आप 4 सेकंड पे रखेंगे यहाँ पे तो आपको 4 सेकंड का टाइम मिलेगा लाइट पेंटिंग बनाने के लिए। सेम 10 अगर 10 पे रखते हैं तो 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 30 सेकंड्स पे रखेंगे तो 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा पेंटिंग बनाने के लिए। अब जो फोकस है उसको आपको ऑटो से हटा के मैनुअल पे करना है या फिर इन्फिनिटी मोड या जो भी आपका मोड होता है, इससे कि आप को जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको फोकस करने में आसानी होगी और आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। तो हम हो चुके हैं पूरे सेट, हमारे पास है ट्राईपॉड, डार्क लोकेशन और बीच में एक फ्रेंड है जो कि मोबाइल की फ्लैश से हमको बहुत सारी अलग अलग लाइट पेंटिंग्स बना के देगा। तो अब आप यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सेटिंग्स ISO 100 है, वाइट बैलेंस 3:0:3 है और जो शटर है वो 13 सेकंड्स का ही मैंने रखा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 13 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे देखना, अभी मैं फोकस सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको देखिए 13 सेकंड्स का टाइम मिलेगा अपनी लाइट पेंटिंग बनाने के लिए। आप कुछ भी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिज़ाइंस, बस आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप जितना अलग बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइट पेंटिंग बनेगी। तो ये रहा रिजल्ट, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मोशन था इस फोटो को बनाने में। तो अब चलिए मैं आपको कुछ और भी अलग सैंपल दिखाता हूँ जो कि हमने यहीं पे क्लिक किए हैं। तो इन दी एंड में बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुँच जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है @avinash27p। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।